यानी कि ये तुमको देखकर कुछ क्लिक होना चाहिए। बी प्लस सी अभी अभी तुमने इस्तेमाल किया ना, टू एस माइनस ए, और जहाँ बी प्लस सी माइनस ए दिख रहा है, टेन ए बाई टू दिख रहा है, हाफ एंगल दिख रहे हैं, हाफ एंगल में क्या उखाड़ोगे? बस नहीं, मतलब क्या कर क्या सकते हो तुम हाफ एंगल में? तो और कुछ काम भी नहीं है तुम्हारे पास, हाफ एंगल का तो एक ही है बस, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमसे ये नहीं हुआ होगा। और इसमें तुम कैसा वो साइन वाइन लगाने लग गए होगे, फिर हो सकता है ऐसा कुछ हरकतें मचाने लग गए होगे। क्या किया क्या फिर? तो यहाँ देखो, बी प्लस सी तुम्हारे पास कितना है, टू एस माइनस ए माइनस ए, यानी वो चीज़ कितनी हो जाएगी, टू एस माइनस टू ए, यानी वो चीज़ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए। क्या बोलो, ठीक है बात, ट्वाइस ऑफ एस माइनस ए। टेन ए बाई टू वो चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू कैसे करते हैं? अरे रुक तो जा, टेन ए बाई टू, टेन ए बाई टू वाली चीज़ कैसे करते हैं अपन, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। अब साइन ए बाई टू में दोनों छोड़कर करते हैं कि लेकर करते हैं? दोनों छोड़कर, छोड़ वाला साइन में छोड़कर करते हैं और कॉस में लेकर करते हैं, समझ आएगा? तो जब छोड़ के करोगे तो क्या लिखोगे, एस माइनस बी एस माइनस सी, ध्यान रखना इन चीज़ों का, समझेगा, अपॉन इसमें लेकर करते हैं कॉस ए बाई टू में, समझ पा रहे हो? ये चीज़ें हो सकता है कि मैं एक महीने बाद भूल जाऊँ, पर मुझे एग्ज़ाम नहीं लिखना है एक्चुअल में, तुम समझ रहे हो क्या? बेसिक्स मेरे क्लियर है बट एग्ज़ाम मुझे नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखो। हो सकता है एक महीने बाद तुम भूल जाओ, तो फिर एग्ज़ाम तुम्हें लिखना है, ये बात ध्यान में रखना। लर्न करना इन चीज़ों को, समझ गए, लर्न करना इन चीज़ों को, हाथ में एकदम बिठा कर रखना, ठीक है क्या? और कहीं एक एक जगह ये पुड़िया ऐसी बना कर रखना इस चैप्टर की, ये जैसे एक ये छोटा टैबलेट बना के रखना, समझ गए, गप से खाया और एग्ज़ाम देने बैठ गए, कहीं कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, समझ गए क्या? सवाल भी बनेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, बातें ध्यान रखो। ऐसे रिविजन के छोटे छोटे नोट्स बनाकर रखो, जिसको बस तुम्हें पढ़कर जाने की नीड हो, और वो छोटे छोटे नोट्स भी देखना, कम से कम 50-100 पन्ने तो आराम से हो जाएंगे एक ही सब्जेक्ट के अगर तुम बनाओगे तो, समझे क्या? और ऐसी कम से कम तीन कॉपियाँ अगर भर गई तो एक एक दो दो दिन ही रहेगा तुम्हारे पास ऐसी कॉपियों को पढ़ने का, सवाल बनाने का जरा भी वक्त नहीं रहता, समझे क्या? खैर, नए सवाल तो बिल्कुल ही नहीं बनते फिर। यहाँ देखो, इसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी, देखो तुम्हारे पास ये इतना आ गया, तो ये एस माइनस ए ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है बात, अपॉन अंडर रूट एस, क्या बोलते हो, यही चीज़ आएगी ना। अभी तुम क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे अगर अंडर रूट एस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो तुम्हारे पास टू बाय, हाँ नहीं नहीं करें तो भी हो जाएगा, अंडर रूट एस से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो अच्छा दिखेगा, बस टू बाय अंडर रूट एस, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ करूँगा तो हेरोन्स बन रहा है, दिखता है क्या? तो उसको लिख देता हूँ मैं डेल्टा, क्या बोलूँ, क्लियर है, समझ गए? और एक अंडर रूट एस मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर है, मौजूद है, तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी बोलो, टू डेल्टा बाय एस, क्या बोलते, ठीक है बातें, समझ पा रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो हो गया तुम्हारा पार्ट ए, ठीक है, ये हो गया पार्ट ए, ठीक है। पार्ट बी में भी यही सेम काम करोगे, पार्ट ए हो गया, ठीक है, इसको लिख लो पहले फट से, इसको लिख कर रहा हूँ। अबे तो यहाँ भी था ना पागल, वो कट गया ना वो, ठीक है, वहाँ भी तो है वो, ठीक है, इस चीज़ को लिख कर रखो फटाफट, क्विकली फटाफट क्विकली लिख कर रखो। अच्छा, ये भी काफी फेमस आइडेंटिटी है, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया सब कुछ। तो बी और सी वाला पार्ट जो है वो तो एकदम सिमिलर है, मैं उसको वापस से करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है क्या? कर लोगे ना, निपट लोगे, एकदम सेम ही है वही, बस एंगल बदल बदल के, नाम बदल बदल के। इसके अलावा दो छोटे फॉर्मूले तुमको अपने किट में रखने हैं, बस उसके बाद हम लोग फिर ओवर करेंगे, ठीक है क्या? यहाँ देखो, एस एस माइनस ए टेन ए बाई टू, ठीक है क्या, ये चीज़ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रहती है, समझ आइए, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं एसएच अलग से कोई थ्योरम या आइडेंटिटी बनाकर नहीं दिया हुआ है, ठीक है क्या? बट ये तुम्हें पता रहना चाहिए, ये नोट्स वगैरह में तुम देखोगे, स्टार मार्क करके
हाँ वही है, लेकिन ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट तेरे को याद रहता तो इससे देख तू क्या बोल सकता है, टेन ए बाई टू, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट ये वाला फॉर्मेट तुमको याद रहना चाहिए, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए एस, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीषण। इसी प्रकार यहाँ देखो तुम कैसे लिख सकते हो, बोलो, साइन ए बाई टू, रुक जाओ पहले देख लो क्या चीज़ें आ रही है, उसके बाद एक बार समराइज जब करेंगे तो समरी लिखना पूरा टोटल, फालतू में सब मत करो अभी, ऐसा बातचीत कर लेते हैं ना पहले दो मिनट। यहाँ देखो क्या कर लेंगे, बोलो एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ऐसा है ठीक है। के बाद अभी इसमें तुम हीरोन्स क्रिएट नहीं कर पाओगे, एस एस माइनस ए अगर करोगे तो ऊपर नीचे मामला जमेगा नहीं, क्या बोलूँ, क्लियर है क्या? लेकिन टैन ए बाई टू में कैसा जम जाएगा, समझेगा? तो ये खाली तुम्हारा टैन ए बाई टू के लिए ही है, ठीक है क्या? तो उसमें याद क्या रखना है तुमको, टैन ए बाई टू इज़ नथिंग बट डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। तो इस चीज़ को कैसा नोट करके रखो, टैन ए बाई टू ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, ये चीज़ नोट करके रखो, एकदम इम्पॉर्टेंट, भीषण भीषण महाभयंकर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ नोट करके रखो, ये बहुत ज़रूरी है। ये आ कैसे रहा है वो तो समझ गए ना, प्रूफ तो कर लोगे ना, तो कुछ है नहीं, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वगैरह करके जुगाड़ लेना, ये तो समझ गए ना, इसको जैसे ही ओपन करोगे आर एच एस से चले, या तो फिर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके चले, यहाँ से यहाँ पहुँचना है यहाँ से यहाँ पहुँचना, कोई मुश्किल बात नहीं, कर लोगे इन, ये फॉर्मेट याद रखने का, समझ गए? यही तुम्हारा मिसलेनियस का आखिरी सवाल है, ठीक है। अच्छा इसमें सवाल तो वैसे बहुत ही आसान आसान है, इसमें बस एक चीज़ और जो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट दिख रही है मेरे को, जैसे यहाँ देखो साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ये चीज़ तुम्हारे को रहती है बराबर डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ठीक है एस ऐसा, ये चीज़ जैसा अगर अपने को प्रूफ करनी है कैसे करेंगे, एक लाइन का है सवाल, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये बोलो एस माइनस बी एस माइनस सी, साइक्लिक है पूरा, पूरा ही साइक्लिक है अपॉन बी सी ऐसा, तो सब जब मल्टीप्लाई करोगे साइकिल में तो वो चीज़ कितनी आएगी बोलो, एस माइनस बी दो बार आएगा, अबे यहाँ समझ गए ना, ठीक है तो अंडर रूट हट जाएगा वो, क्या बोलो क्लियर है? अच्छा तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी, एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, ऐसा हो गया। अच्छा दिख रहा है डेल्टा स्क्वायर बनता हुआ, अभी देखो बी सी दो बार सी ए बी सी दो बार सी ए दो बार और ए बी दो बार, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए बी सी हो गया, क्या बोलते हैं, ये भी आ गया ये भी आ गया, तो सब कुछ है ही, ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा, तो ये सारा डेल्टा स्क्वायर ही तो लिखा है, क्या बोलो, समझ गए क्या, क्लियर है बातें, समझ गए हो? तो मैं कर नहीं रहा हूँ तुम कर लेना, समझ गए, कर नहीं रहा हूँ कर लेना, ठीक है एक बात, तो इसको एज होमवर्क लिख लो, सवाल लिख लो बस, सॉल्यूशन अभी मत लिखो, ठीक है कर लोगे? बस इसमें इसकी समरी थोड़ा सा टचअप करवा कर कैसा इसको ओवर कर देते हैं अभी, ठीक है क्या? इलास्टिसिटी फिर हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है क्या? आज मैं उसको रहने देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या है क्या करके, ठीक है उसके बाद कल शुरू करेंगे अपन इलास्टिसिटी। मैं आज का तुमको काम बता देता हूँ, यहाँ देखो ये चीज़ होगी, तो इसमें उसकी समरी जो रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है जिन चीज़ों की एक्चुअल में तुम्हें नीड पड़ेगी पक्का, समझेंगे वो देखो क्या क्या रहेंगे तुम्हारे पास। सबसे पहली चीज़ तो ये है ए और साइन ए आर इंटरचेंजेबल, ठीक है ये लिखते चलो साथ ही साथ। दूसरी चीज़ ऑल साइड्स गिवन देन एंगल्स कैन बी फाउंड आउट बाय कोसाइन फॉर्मूले, समझ रहे हो? दो चीज़ें हो गई, तीसरा एक निकम्मा फॉर्मूला जो कभी आज तक अभी तक तो काम आया नहीं है, समझ गए है ना वो निकम्मा, समझ रहे हो नेपियर वाला, वो अभी तक के काम आया नहीं, लिख लेते हैं क्या पता आ जाए, समझ गए? बराबर a माइनस बी बाय ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, क्या बोलते हो? ठीक है अभी तक के इसकी ज़रूरत पड़ी कहीं? ठीक है क्या अभी वैसे
कुछ सवाल हम लोगों ने बनाए नहीं है इसमें, कम इलस्ट्रेशन लिया हूँ मैं, लेकिन बहुत ही आसान सा लग रहा है मेरे को, ऐसा लगता है कि तुम कर लोगे उसमें, कोई इशू नहीं जाएगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें करने के बाद इसके बाद क्या आते हैं तुम्हारे पास, हाफ एंगल वाले, ठीक है क्या? उसमें ऐसा लिख लेना साइन ए बाई टू लीव ए, ऐसा लिख लेना, और उसके बाद फिर लिखो ऐसा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। और दूसरी एक और चीज़ उसमें लिख लेना, ये लिखने के बाद इसमें ऐसा कर लेना इंक्लूड ए, ऐसा ऐसा लिख लेना, और ये लिखने के बाद ऐसा मार देना, बहुत ज़रूरी है ऐसा मारना, ठीक है, अंडर रूट बी सी इन बोथ ब्रैकेट में लिखना कॉमन डिनोमिनेटर, ये सबसे खतरनाक चीज़ है, कॉमन डिनोमिनेटर सारा सबसे खतरनाक है, समझेंगे, ये सबसे खतरनाक, ये भूलता ही है एक इंसान पक्का, समझे, कहाँ क्या कैसा था हाफ एंगल फॉर्म में, भूलना ही तय है ये एकदम, ठीक है, ये चीज़ें याद नहीं रहती है। ये कर लिया है, उसके बाद अपन ने देखा टैन ए बाई टू, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा, ये तो है ही, ठीक है, ये तो है ही, बट ये है, ये इम्पोर्टेंट है, डेल्टा बोन एस एस माइनस, ये है मस्त चीज, समझे, यस, ये बढ़िया काम है, बस अब एक चीज़ छूट जाती है, ठीक है, ये लिख लिया, ये है बढ़िया काम, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद बस एक चीज़, डेल्टा बराबर हाफ बी सी साइन ए, ठीक है, या फिर बोलो हाफ ए बी साइन सी, या फिर बोलो हाफ ए सी साइन बी। और यहाँ पर ये लिख लिया, ये लिख लिया पूरा, और यहाँ पर एक चीज़ अपन ने छोड़ दी, अपन ने प्रोजेक्शन छोड़ दिया है, समझे गए, इसमें इंक्लूड कर लेना यहाँ पर साइड में ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, कितना बढ़िया, देखो तो किसके बराबर रहेगा, सी के बराबर, क्या बोलते हैं, समझिए, बाकी का तो लिख लोगे ना, ये चीज़ एक छोड़ दी है, तो ये जैसे अगर किसी ने पढ़ लिया है, जैसे मैं अगर बनाता तो मैं अपना ये बनाकर रखता, अब मेरे को कुछ और पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, अब जैसे अगर मैं अगर एग्ज़ाम में भी बैठूंगा तो भगवान की कृपा से मुझसे बनी जाने हैं सवाल, समझे गए, तो अब मेरे को कैसा है, जैसे ये टॉपिक जैसे अगर तुमने कर लिया है तो उसके बाद अब कैसा, मेरे को इसको करने की वापस से नीड नहीं है, जैसे एक अपने ठप्पा लगा के रख देते कि मैं फाइनल एग्ज़ाम भी अगर बैठूंगा इस चीज़ को देख कर मुझसे बनना ही है सवाल, तो ये कैसा करके हो गया, इसको ऐसा कर करके अलग करो, समझे, जैसे मैं क्या करता था लास्ट के टाइम पे, जब मैंने बुक अपनी सॉल्व की है तो उसमें मैं पूरा ऐसा कर देता था इसको कि अगली बार पढ़ ही ना सकें, समझे, पूरा ऐसा काट देता था बिल्कुल कि ये हो गया मतलब हो गया, अब इसका मैं कभी नहीं पढ़ूंगा दूसरी बार दोबारा, और ये सच में मैंने किया है, तो वो चीज़ जैसे हो गई, उससे जितना मेरे को निकालना था वो चीज़ें जब हो गई उसको मैंने लिख कर रख लिया एक छोटे से पुड़िया में, समझे गए, और जब उसमें एग्ज़ाम में जब तुम बैठो तो उसी चीज़ को तुम्हारा रिवाइज करना है, तो वो एक्चुअल में क्या है, ये इसको तुम ऐसा मत समझो कि बस खाली एक मिनट में एक इंसान ने देखा और उसका अरे कैसे सवाल इससे बना लेगा, बस ऐसा ऐसा नहीं है, ये अपने जितने भी घंटे की जो भी ये सब इसमें सब कुछ है, ये अपने 3-4 घंटे का ये अपना काम है, समझे, जिसको अपन ने 10 सेकंड में रिड्यूस किया है, ऐसे कर करके हर टॉपिक का बनाकर रखो मैथ्स में, समझ गए, जैसे ही कोई सवाल देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल का तुरंत तुम्हें वो एक्सरसाइज पता चलनी चाहिए कि अच्छा ये तो इस एक्सरसाइज से आया, इस एक्सरसाइज में मैंने ये काम किया था, ध्यान रख, अगर ऐसा रिकॉल नहीं कर पाओगे कहाँ से कौन सा सवाल उठ के आया है, नहीं होगा, समझ रहे, ध्यान रखो, क्लियर है बातें, अभी ओवर करते हैं।